हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज ना मैं बहुत टाइम के बाद हेयर रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कल मेरी एक फ्रेंड मेरे से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि यार मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैं अपना हेयर कट करा रही हूँ। तो क्या हेयर कट कराना ही हेयर फॉल का सॉल्यूशन है? नो, अभी मैंने भी अपना हेयर कट कराया है, क्योंकि मुझे कराना था, न्यू लुक भी चाहिए था, फ्रिज भी हो रखे थे मेरे बाल एंड्स मेरे, तो इसलिए मैंने कट कराया। बट क्या हेयर फॉल का सोल्यूशन हेयर कट है? नो, क्योंकि आप जब भी हेयर कट कराओगे ना, तो वो 15 टू 20 डेज तक या ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ तक उतना ही आपका हेयर फॉल रुकेगा, बट उसके बाद क्या फिर से आपका हेयर फॉल होगा? तो क्या हर महीने आप अपने बाल कट करवाओगे? ऑफकोर्स नॉट। तो इसका सोल्यूशन ना मैं आपको आज बताती हूँ। हेयर फॉल किसी को भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो, हेयर फॉल सबका होता ही है। तो एक इसका रीजन क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है ना, वेदर अभी कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन, डस्ट, उसकी वजह से भी आपके बालों में डस्ट जाती होगी, तो वो भी रीजन हो सकता है। एंड उसी के साथ अगर आप लोग अपने बालों को क्लीन नहीं रखते होंगे, अच्छे से वॉश नहीं करते होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लगाते होंगे, तो ऑफकोर्स आपके बाल खराब होंगे एंड आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस जो भी है वो होगा। तो ये सब तो बेसिक चीजें हमको पता ही है, बट इसी के साथ साथ हमें हेल्दी डाइट भी मेंटेन करने की जरूरत बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? तो हम आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ऐसे क्या डाइट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्या फूड आइटम्स हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हमारा हेयर फॉल, हेयर लॉस सब कुछ रुक जाए, कम हो जाए एंड हमारे बाल हेल्दी रहे। पहले न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूंगी ना, दैट शुड बी आमंड। आमंड हम सबको पता है ना कि हम मेमोरी पार के लिए खाते हैं, बट ये आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। सिर्फ आपकी याददाश्त ही अच्छी नहीं होती है, रोज बादाम खाने से आपके हेयर्स भी अच्छे होते हैं, आपके हेयर्स में शाइन भी ऐड करता है, इसीलिए आमंड हेयर ऑयल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। प्लस आप लोग क्या कर सकते हैं ना, रात को पानी में भिगो के रखना आमंड्स एंड सुबह उठ के उसके छिलके रिमूव करके आप खा सकते हैं, या फिर आप लोग आमंड मिल्क भी बना सकते हैं एंड आप लोग वो भी पी सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप वैसे ही आमंड खा सकते हैं या फिर आप लोग आमंड मिल्क भी पी सकते हैं। दोनों वेज में आमंड बहुत अच्छा होगा एंड आपके बालों के लिए भी अच्छा होगा। प्लस अगर आप लोग बहुत ज्यादा चीजें भूलते हो ना, तो आई थिंक आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन शुड बी आमंड, तो आप लोग आमंड कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? Then next nutrition is green veggies. Green veggies आपको सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आपकी डाइट में डेली आपको ग्रीन वेजीज इंक्लूड करनी चाहिए। अभी ग्रीन वेजीज में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, वो सब आप लोग खाइए, ठीक है? जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को ग्रीन वेजीज आपके डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्कैल्प मजबूत होता है एंड आपके बाल भी स्ट्रांग होंगे। देन नेक्स्ट फ्लैक्स सीड्स। आई थिंक फ्लैक्स सीड्स के आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने भी वीडियो बनाया था, फ्लैक्स सीड जेल मैं अपने हेयर्स पे अप्लाई करके मैंने दिखाया था एंड रिजल्ट्स वाज रियली अमेजिंग। तो आप लोग फ्लैक्स सीड जेल भी बना सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग फ्लैक्स सीड्स खा भी सकते हैं। दोनों वेज में फ्लैक्स सीड्स आपके हेयर्स के लिए अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स भी आपके हेयर्स की रूट्स को ना स्ट्रांग करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आपको मार्केट में आराम से पम्पकिन सीड्स मिल जाएंगे, आप लोग वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड बहुत ही आपको हेल्प होगी पम्पकिन सीड्स से, क्योंकि आपके बालों में शाइन भी ऐड करेगा, प्लस आपके रूट्स भी स्ट्रांग होंगे। और क्या चाहिए यार, सबसे ज्यादा रिच प्रोटीन ना आपको वीट में मिलेगा, बार्ली, ज्वार, ये सब कंज्यूम करेंगे ना, तो इससे भी आपके हेयर्स को भी बेनिफिट होगा, प्लस की बॉडी भी अच्छी तंदुरुस्त रहेगी। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड, बटर, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो, बंद करो एंड अच्छे से आप लोग घर का खाना, जो रोटी होती है ना, वो आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं ग्रीन वेजेस के साथ, वो बहुत ही ज्यादा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा इसीलिए, ठीक है? सोयाबीन और सोया चंक्स। सोया चंक्स की तो आप लोग सब्जी बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप लोग उन्हें वैसे ही कच्चा भी कंज्यूम कर सकते हैं, या तो आप लोग भिगो के रखना पानी में एंड देन आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं सोया चंक्स। तो सोयाबीन कंज्यूम करने का आपको बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ। आप लोग गेहूं एंड सोयाबीन दोनों मिक्स करके फिर आप लोग आटा पिसवाने देना एंड उससे आप लोग रोटी बना के खाना, बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन एंड व्हीट, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प होगी आपके हेयर्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। विटामिन सी के लिए ना फ्रूट्स आई थिंक बेस्ट होते हैं, तो आप लोग
सिट्रस फ्रूट जो है ना वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंज। आप लोग लेमन वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग में, ये भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड येस डेफिनेटली अगर आप लोग हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आप लोग हेयर ऑयलिंग वीकली वंस तो जरूर आप लोग करना, इससे आप लोगों के हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे प्लस आपके रूट्स भी स्ट्रांग होंगे। तो यही आज के कुछ मेरे टिप्स थे कि आप लोग अपनी डाइट बेटर बनाइए एंड जो बाहर का तला हुआ जंक फूड है ना उसको अवॉइड करना एंड अच्छा हेल्दी ग्रीन फूड आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं एंड आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखना एंड आपके हेयर्स को भी अच्छा रखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।